डे टू शुरू हो चुका है, अभी उठे हैं। अरे खप पाने लग गए सुबह सुबह। चल कहाँ जा रहे हो भाई? सारे कहाँ जा रहे? पट्टी ब्रो लॉग पहाड़ों में पट्टी गिर वॉक कर जा रहे हैं। बहुत वॉक। गुड मॉर्निंग सबको, डे टू शुरू हो चुका है। यार सुबह ही उठ गए 2 बजे। हुआ बना दिया यार, हुआ। ओ यार अभी तो उठ के देखते क्या होता है। मॉर्निंग के 6:04 हो गए हैं और अभी सभी उठ गए हैं एंड वेरी एक्टिव। कोई ऐसी ठंड नहीं थी कल रात को, यहाँ पे नॉर्मल मौसम था, वेरी गुड वेदर जहाँ पे हम रुके हैं सीमा में। और ये व्यूज़ हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। जैसे कैमरा रोकने की तो कुछ है ही नहीं, कैमरा रोक के दिखाऊँ तो 360 व्यू चलता ही रहेगा। तो अभी ब्रश वगैरह करने लगे हैं, अभी रेडी होते हैं, कुछ देखते हैं खाने में क्या बनेगा। वैसे एक्सेल शीट आपने देखी होगी क्या बनेगा, पर फिर भी दिखाएंगे क्या बनता है। ओके आप ले लो। सारी सुस्ते भी खराब। ये स्क्रीन बंद होगी टैप कर। बैटरी 18% लगी। तो अभी मुंह धोना है, फ्रेश फ्रूट होके तो सब खाना खाएंगे। आज खाने में बनाए दलिया यम यम और कॉफ़ी। तो बस खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं धीरे धीरे। पैकिंग वगैरह अनपैक खुल तो दिया था, अब पैक करना सब कुछ। ठीक है जी, ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर पाल। गुड मॉर्निंग जी, क्या बना रहे हो आज आप? आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी और उसके साथ यम यम दलिया। ये मुझे ना यम यम दलिया नहीं समझ आया, मैं एक्सेल शीट भी देख देख परेशान हो गए। क्या यम यम दलिया है? इसको लगाओ, फूक दिया गया है, रेडी टू ईट दलिया होता है। ओके, बस इसको डालो और इसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। भुना हुआ है, चीनी भी शायद है, थोड़ा सा मैंने क्या बोलते हैं मिल्क ऐड करा है, ये इलायची इलायची ऐड करिए, बट वैसे इसको ज़रूरत नहीं होती। तो बाकी दलियों से ये काफ़ी स्टेबल है एज ए ट्रैक पे खाने की। तो ये बन रहा है जी कॉफ़ी, राइट लेफ्ट में यम यम दलिया। तो अभी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं और कॉफ़ी है। सारे बंदे अलग अलग जगह पीन गए, यूनाइट के थे। ओ पतला बन गया में और पाके कटा करेंगे यार, जो होर पा दो थोड़ा दूसरी टाइप से।
हलवाई की तरह बना, हलवाई की तरह। वैसा है जैसे आटा गीला हो जाता ना, फिर वैसा टेस्ट है। अभी जाते हुए देखते हैं क्या सीन है, अभी बस ये खा के टेंट पैक करके निकल। पतीले ये तो पानी पा के रखो यार, कितना ठंडा करा रहे हैं, लग जाता है ना ये ठंडा है, जम गया। टास्क है साफ करना। हाँ पहले सारा उतारा फिर साबुन लगावा। बर्तन ही तो है यार, क्या चीज़ है, इन्हें नाजुक उच रहे हो गया। हमारे कुंवर जी आ रहे हैं घर के, पत्तन मम्मी को मार रहे फिर तो है। हाँ तो बस बस बंद कर, बिल्कुल फाइनल फाइनल प्रिपरेशन चल रही है। सबसे लेट मैं, टोटली रेडी। ललित अरुण भाई ऑलमोस्ट रेडी, गोबर लगा, जूते ऑलमोस्ट रेडी, टोटली रेडी। तो 8 बज चुके हैं, सब हो गई बहुत ज़्यादा लकी है, पुरानी सनस्क्रीन लगाई है तो नहीं, कैसी अजीब सी है, चिपकी पड़ी है। तो बस रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं। और यहाँ पे ना पेड़ लगे हैं, उन पे सेब भी लगे हुए हैं, तो जो पेड़ है यहाँ पे छोटे छोटे इतने इतने सेब भी लगे हुए, बस जाने के लिए तैयार है। दो इधर से जा रहे हैं, दो इधर से जा रहे हैं, हम भी इधर से चलते हैं। स्मॉल शॉर्टकट, शॉर्टकट वैसे परेशान करते हैं, बट इट्स ओके। सामान पूरा हो गया जी, सामान चक लिया है, पानी भर लिया है, सब कुछ हो गया। और हम चल पड़े हैं सीमा से रैन बसेरा की तरफ। जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है जी, 6-7 किलोमीटर है। और हाइट कितनी है यहाँ से, हाइट भी बता देंगे थोड़ी देर में। चलो जी अभी तो फिलहाल चल पड़े यहाँ से सीमा से। ओके तो जैसे कि आप ये ब्रिज देख रहे हो, ये जा रहा ओसला विलेज की तरफ उधर, और ये इधर से हम जा रहे हैं हरकीधुन। जो ब्रिज है इससे लेफ्ट जाएंगे हरकीधुन ऊपर से, और हम जा रहे हैं इधर को राइट को, जो है बाली पास ट्रैक की तरफ। चलो जी अब कट गए हैं दो रास्ते यहाँ से, जो हरकीधुन वाले होते हैं वो अपने रास्ते पड़ जाएंगे और हम बाली पास की तरफ पड़ जाएंगे। थोड़ा बेसिकली ना जो रश देखा था कल हमने पिछले वाले बेस कैंप पे, वो सारे रास्ते में, तो वहाँ पे कम हो जाएगा रश। यहाँ पे लिखा भी हरकीधुन और राइम सारा। थोड़ी सी आगे आके वो झरना, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा झरना है और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, वाटर स्ट्रीम, ब्रिज भी है यहाँ पे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, फोटोग्राफी नहीं हो पाती, DSLR नहीं है मेरे पास अब, पहले हुआ करता था फिर मैंने बेच दिया। जो पीछे ब्रिज देखा था वाटरफॉल वाला, उससे लेफ्ट को जाना है, एक राइट को ऊपर चढ़ रही है चढ़ाई, एक लेफ्ट को, लेफ्ट को आ जाओ, और रिवर के साथ साथ, और सामने भी दिख रहा है जो हरकीधुन की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। मैं इस जगह से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो बहुत दूर है, अगर आपको सामने दिख रहा हो वाइट वाइट
रास्ता और ब्रिज वगैरह, वहाँ पर टेंपल भी बना हुआ है एक, और व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अभी तो जो पेड़ है वो कम हो गए, लेकिन बुशेस वगैरह काफ़ी अच्छी हैं और सांस भी ठीक आ रही है। तो ये नाला क्रॉसिंग, पहली नाला क्रॉसिंग डन। आए हाय पानी च पैर रख। आप तो ना कुंफू पांडा के जैसे लग रहे हो। तो थक गए यार। हेलो मिस्टर कुमार, कैसे हो आप? ओह वुडन ब्रिज, इट इज ब्यूटीफुल। हिल रहा भाई ये कल्ले, अकेले बंदे के बेड से हिल रहा। छोटा सा बच्चा है, लकड़ी इकट्ठी करके ला रहा है। आई थिंक यहाँ पे ढाबा डूबा बनाया, उन्होंने चाय बनाएंगे। थोड़ा सा इंक्लाइन है यहाँ पे, उस जो जहाँ मैं रुका था अभी, बच्चा लकड़ियाँ लेके जा रहा था खाने पीने का। इतना ज़्यादा प्रबंध तो नहीं लग रहा वहाँ पे, बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैं थोड़ी देर बैठा, रेस्ट की और चल पड़ा। अब उसके आगे आगे थोड़ा सा इंक्लाइन है। अच्छा 2.5 से 3 किलोमीटर हुआ शायद। तो यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, पेड़ बड़े कम है। पहले तो बुशेज ही थी, अब थोड़े से पेड़ आए यहाँ पे आके, और लंबा काफ़ी लंबा स्ट्रेच मार दिया उनको। मुझे तो ऐसे लगता है कि शुरू में खा के ना तो ज़्यादा लंबा स्ट्रेच मार लो, मज़ेदार होता है। मतलब एनर्जी भी होती है, शुरू में दिक्कत आती है जब चलने के 2-4 मिनट, उसके बाद टांगे चलने लग जाती हैं, फिर तो चलते जाओ मज़ेदार। सामने देख रहा हूँ उधर लोग हर की धूम दिखा रहे, तो मैं आपको बार बार पता भी लग जा रहा है। हवा चल रही है अच्छी खासी, अब तो रिलैक्स का टाइम है, बस थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, सबकी वेट कर रहा हूँ, फिर आएंगे फिर चलेंगे। ट्रैकर्स आ रहे ने, माउंटेन रिव्यूअर्स आ रहे ने, व्हाट अ गुड डे। माय गॉड रेबन गॉगल्स। भाजी व्यूअर्स को कुछ इशारा करना चाहोगे? Hike it guys, hike it, hike it hard. Hike it hard, hike it hard. भाजी you are looking superb in Ray-Ban and red t-shirt. Thanks bro, for the appreciation as always. स्वर्गोनी पीक। तो ललित कपूर पहला ऐसा बंदा इतिहास में 12 तारीख, आज 12 होगी 13 तारीख जून 2022, ललित कपूर हमारे ग्रुप में पहला बंदा जिसने स्वर्गोनी पीक देखी आज, और हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। तो मैं सबसे पहला बंदा जो बालीपास ट्रैक की तरफ जा रहा हूँ 13 तारीख जून 2022। दैट्स इट। And this beautiful view, oh my god, I like this view. थोड़ी धूप थोड़ी छाँव। ये देखो सामने ऊपर ना, अगर दिख पा रहा हो तो वहाँ पे मखियाल है, शहद, और पक्का यहाँ पे भालू भी होगा फिर अगर शहद है। यहाँ 100% भालू भी होंगे अगर शहद है तो। जो अभी मखियाल के छत्ते देखे तो उससे आगे थोड़ी छोटी सी गुफा है। यहाँ पे मोस्टली खाली लग रही है, कुछ हो भी सकता, ये सब मिस्ट्रीज ही है, इतना जाके नहीं देख सकते हम। बोल रहे थे ना भालू होगा, और वहाँ पे
मैं ख्याल भी था शायद हनी। तो उसके बाद ना एकदम से चढ़ाई 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 एकदम से, बीच में कोई ऐसा ब्रेक भी नहीं हुई, सॉफ्ट सीधा हो थोड़ा सा, चढ़ाई चढ़ाई बस। पानी की स्ट्रीम से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैट टाइप एरिया, फ्लैट तो देखने को लगता है, तो यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा। और आप देख पा रहे हो ना, ये जो है ये पेड़ है, अगर आपको बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो तो टीवी में तो आपको दिखे रेड रेड है, तो ये ना और जो पीछे एक लड़की ने दिया था एक फ्रूट सा, वो है ये, इनको खा भी सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज भी है यहाँ पे। और अगर आपको पहाड़ी दिख रही हो, इस ये पहाड़ी के साथ में इधर बस स्वर्ण भूमि बनी, स्वर्ण भूमि वाली पीक है ये। यही गल है महाराज, हूँ बंदे पूछते हैं जी तुम कितों समान लिया, हम ये थोड़ा भी हर एक चीज़ दस दो यार, बंद कई चीज़ा पता भी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी हम एक टी शर्ट्स दिल्ली कैपिटल की पाई जा रहे हैं, ऐड हो रही है, मतलब सारी चीज़ें दसनिया थोड़ा होंगे। नरू भाई भी ऐड कर रहे हैं, अरुण भाई यार टोपी स्पॉन्सर्ड बाय ललित कपूर, वी स्पोर्ट सिद्धू मूसे वाला। देवसु बुग्याल से हम निकल पड़े हैं, अब रेस्ट करी, बंदे इकट्ठे करे, तो कुछ 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये अकॉर्डिंग टू स्टडीज। और इस ट्रैक के हमें बिल्कुल जो है नदी के पास लेके जाएगा, मोस्टली इसमें डाउन ही है लेकिन थोड़ा अप तो होता ही है। देवसु बुग्याल वेरी ब्यूटीफुल, खुला डुला, ट्रीज नहीं है, चढ़ाई है ऊपर को, जब से शुरू हुआ जहाँ हम रेस्ट करते हैं वहाँ से चढ़ाई चढ़ाई है, देखते कितनी दूर तक है। रुइंस देवसु बुग्याल में अगर आप स्टे करना चाहते हो तो कैंपिंग के लिए अच्छी जगह है, यहाँ पे दिख रहे लोग और है ना, ज़्यादा ऊपर जाई जा रहा है फिलहाल, तो जैसे एक ट्रायंगल का नीचे से ऊपर का कॉर्नर होता है तो हाइट बढ़ती रहती है और चलते रहते वैसे ही कुछ है। और यहाँ पे भी 2 कैंप लगे हुए हैं जो कि 2 नहीं है, बहुत सारे हैं, उधर भी यहाँ देखो कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे टॉयलेट्स, कैंपिंग, ट्रैक दी हिमालयस। तो देवसु बुग्याल क्रॉस करने के थोड़ा सा आगे ये इधर को इधर से आने सामने आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स का व्यू दिखेगा, उससे लेफ्ट को नीचे जाना है, चलता रहूं, सिंपल ही है रास्ता, इधर को नीचे को जा रहे, मिट्टी मिट्टी आ गई अब थोड़ी सी, आई थिंक अब सीधा रिवर के पास ही मिलेंगे, जो जहाँ से अरुण भाई पानी पी रहे थे आपने देखा होगा, तो उसके आगे ना कोई वाटर स्ट्रीम दिखी नहीं है ऐसे, तो आई थिंक वहाँ से वाटर बॉटल आप अपनी भर के चलो, काफ़ी दूर है मेरे ख्याल में ये 1.5 से 2 किलोमीटर लगा के चलो, अभी तक कोई वाटर स्ट्रीम दिखी नहीं है, अब देखते हैं आगे कितनी दूर मिलती है। तो काफ़ी स्टीप सी डिक्लाइन है और ये देखो मिट्टी भी ऐसी है, यहाँ पे कच्ची मिट्टी, कुछ पक्की मिट्टी नहीं है, मतलब बचा बचा के उतरना पड़ रहा है, इतना अच्छा रास्ता नहीं है, बारिश बुरिश हो जाए तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा चिपचिप कचकच चिक्कड़ ही चिक्कड़ हो जाएगा। तो अभी देवसु बुग्याल से नीचे आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया मैं, बस थोड़ी
सामने ही रिवर है, तो यहाँ पे रुका हूँ, अब थोड़ा वेट कर रहा हूँ सभी लोग आ जाएँ तो इकट्ठे चलें आगे, अगर रिवर क्रॉस करनी पड़ी तो। तो अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं एकदम से, जैसे पास क्रॉस करके नीचे को जाते हैं वैसे आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सी और आगे है क्या, बोलते जाके देख क्या ब्रिज है कि नहीं, अब जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्रिज की संभावना है रिवर क्रॉस करने के लिए, जैसे कि मैंने पढ़ा था देवसु बुग्याल से आगे रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी हमें। हैगा तो ब्रिज दिख गया, तो बंदों ने मेरे को भेजा देख क्या भाई, अगर नहीं होगा तो ऊपर ही आना पड़ेगा। तो ब्रिज है, बड़ा ही सुंदर ब्रिज है और बड़ा ही डरावना लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि नीचे सुपिन रिवर बहुत ही तेज गति से बह रही है। चलो कैमरा कंटिन्यू, अभी कोई कट नहीं आएगा इसमें। ओहो वरना ब्रिज तो कई बार हिलता भी है, डर लगता है शायद यहाँ पे कोई आवाज़ भी ना आए। हाँ यस ब्रिज है, व्यू चेक कर लो, दिस इज द व्यू, ब्यूटीफुल ये ब्रिज है। पता नहीं हिल रहा है, डर लगता है जब हिलता, बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, एक आधा बंदा आएगा उसको शूट कर लेता हूँ, अभी तो कोई नहीं आ रहा। पट्टी हिलता है, हिल रहा है, देखो ब्रिज हिल रहा है, एक एक बंदा ठीक का, ब्यूटीफुल वेरी गुड, हिल रहा है ना। ये सभी मेरे अगेंस्ट है, मैंने बोला कोई फालतू बात करनी है, फालतू बात नहीं करने दे रहे, मैं वहाँ ग्रुप चेंज कर लेना। जे अग लड़ाई सड़नी सी साढ़े खतरनाक सड़ जाने। हाँ जी जाओ, भरना भी होंगे जान लगे भरदा है महाराज भरदा जहालत सहनी पै रही है मैनू, दिल तोड़ना सी किसे दा टूट गया, गम गा रहे नम जा, हूं आप गम तो गा लिया, गम गाने का मतलब है कि गम नु एंजॉय कर, कोई गल औखा जंजू भी आ गया। चलो यार मिस्टर कौर चल रहे हैं जी, देवसुद बुग्याल से नीचे उतरे थे अब ऊपर चढ़ रहे हैं। इस थोड़े से ब्रेक के दौरान मैं ललित का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, टूट गया है। ललित का दिल टूट चुका है और कड़वी बातें सुननी पड़ रही हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते भाई हम वो बातें। रास्ते में काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, देखो वाइट पिंक ब्लू रेड भी हैं थोड़े से, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्यूट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक गुफा है, यहाँ पे आप रेन शेल्टर ले सकते हो, अच्छी है, बहुत बड़ी भी है, बहुत बड़ा पत्थर है। तो जो ये अब है अपना ब्रिज के आगे से, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइंड चल ही रहा है, फ्लैट भी है थोड़ा,
अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब डिफिकल्टी लेवल मीडियम टाइप गुड है। अभी जा रहे हैं आगे को, अच्छा है ये, ना ऊपर ज़्यादा ना नीचे ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सीधा सीधा टाइप है, थोड़ी सी ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। अच्छा है, व्यू भी अच्छे हैं, पानी के झरने, झरने तो नहीं नाले टाइप, ब्यूटीफुल। और धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बुरा हाल ही हो जाए, वेदर भी ठीक है, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी गुड एंड टॉलरेबल सब कुछ, बस मज़ेदार। और ना काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं यहाँ पे, वो देखो ऊपर कितना सुंदर वाटरफॉल है, गोप्रो में तो दिखना ही नहीं कुछ, वो DSLR अगर होता तो मैं उससे कोशिश करता, कुछ इससे तो कुछ भी नहीं दिखना। और हाँ एक और बात बहुत बड़ी, वाटर स्ट्रीम, पानी, लास्ट पानी वो वहाँ पे था जहाँ पे अरुण भाई ने पिया था, जो देवसु बुग्याल से पहले था, उसके बाद पानी नहीं मिला। अब आगे लग रहा है कि पानी है, क्योंकि लड़का है जो सूरज को पी रहा है पानी, आई थिंक वहाँ पे, हाँ वहाँ पे पानी है, पानी पियेंगे खूब सारा, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है फालतू में और कुछ मसल्स वगैरह ये दुखने लग जाते हैं। ये देखो जहाँ पे वाटरफॉल दिखा राइट साइड में, उसी के लेफ्ट में है पानी है। अरे देखो बुरा हाल है, रेता भी कितना है यहाँ पे, हाँ गुड है पानी, गुड यार, ये है पानी यहाँ पे, लाओ दे दो यार बोतल, नहीं तो ग्लास निकाल दो मेरा। कभी ऊपर कभी नीचे, अब कुछ काफ़ी ज़्यादा नीचे। और ना एक और बात बताता हूँ, जो सांकरी से हम चलने लगे थे तो वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चले गया था एक बंदा हमारे में से, तो वो पीछे पड़ गया काफ़ी चीज़ों के, और वहाँ पे हमारे पैसे लग गए कुछ 1900 रुपया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पर्ची, एक एक बंदे के पैसे लिए, और उसके बाद आई थिंक टेंट लगाने के भी पैसे लिए उन्होंने, जितने दिन का हमने टेंट लगाना है, तो इस तरीके से हमारे 2000 रुपये वहाँ पे भी लगे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, एक गाइड भी ज़बरदस्ती करना ही पड़ा, मतलब ये गाइड करना ही पड़ेगा आपको जो मर्जी हो जाए, अगर ऐसे निकल गए तो निकल गए। तो ये जो सूरज है ये हमारे साथ साथ ही रहेगा, और वैसे तो सब कुछ बना ही होता है रास्ते वगैरह, लेकिन फिर भी अब ये साथ रहता है तो बड़ी अब मजबूरी में करना ही पड़ता है जो करना पड़ा। हम जब से भी ट्रैक कर रहे हैं आई थिंक 2012 से कर रहे हैं ललित, और तो आज तक कभी गाइड नहीं किया, इस ट्रैक में हमें करना पड़ा। तो ये है इन्फॉर्मेशन, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, तो मैंने एक शुरू में कार्ड दिखाया था अंकल का जहाँ पे हम रुके थे सांकरी, और अगर सूरज का भी कोई नंबर हुआ तो मैं डाल दूँगा, आप इनके साथ कर सकते हो ट्रैक, लेकिन आपके से पास सामान पूरा होना चाहिए ट्रैक करने का, खाना पीना ये वो सब कुछ, जो आपने मेरे हर एक ट्रैक में वीडियो में बैग पैकिंग वीडियो में देखा है क्या क्या लेके जा रहे हैं। आगे एक झोंपड़ी दिख रही है, देखते हैं कहाँ रुकना। यू कैन ऑल्सो सी बर्फ वाली माउंटेंस, मेरे ख्याल में ये ब्लैक माउंटेन है, तो ये रेन बसेरा बोला जा रहा है कि यही रेन बसेरा है। और यहाँ पे हमारा आज का ट्रैवल डिस्टेंस रैन बसेरा तक ही बोला गया है। यहाँ पे अच्छे कोई कैंपिंग का फ्लैट जगह तो नहीं दिख रही है, बट वो तो जब ढूंढेंगे तभी पता चलेगा।
चलो एंट्री करते हैं यहाँ पे कैंप में। बहुत सारी सिगरेट्स, बहुत सारा कचरा पड़ा है यहाँ पे। टेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों टेंट आज लगता है बिल्कुल आसपास ही लगेंगे, आमने सामने लगाने की इतनी जगह है नहीं हमारे पास। कल का टेंट मिस्टर ललित कपूर के लिए सेटिस्फाई नहीं था। वहाँ जी महाराज क्या होया, दूर आ गई बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बस मुझे ये है कि ये ट्रिप निकल जाए। देख रहे हो आप व्यूअर्स, ट्रिक, सिर्फ ट्रिक, ट्रिप ट्रिप नहीं ट्रैक, ट्रैक, ये ट्रैक कंप्लीट हो जाए बस। वी आर ऑलवेज वेलकम अवर स्पॉन्सर्स, एनी वन कैन स्पॉन्सर एनीथिंग। फेवी बॉन्ड लेके आए हैं, काफ़ी ज़्यादा कट चुकी है। ये वो अग्गी क्यों लगाई है, सोल नहीं निकल जाती। ओह माय गॉड, जूता भी हो गया शुरू। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा। इट्स नॉट ईजी, ट्रैकिंग सोलो इज़ नॉट ईजी, जस्ट लर्न। अगर आपका शू खराब है घेर दो उसको, घेर दो, 3 साल के बाद शू चेंज कर लो। सही बात, मेरा भी शू खराब हो गया था, मैंने चेंज किया। आज हमारा लंच में है पोहा, तो अभी हम बैठे हैं रैन बसेरा में। मिस्टर पाल आज के कुक हैं हमारे, साफ सुथरे कुक, ओवर हो रहा है। मिस्टर कपूर नाराज है अरुण भाई ना, कपड़े धो रहे हैं नीचे अच्छे से, पत्थर मार मार के टुक 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 टुक। हम चले थोड़ा नीचे, थोड़ा बर्तन की ड्यूटी निभाने और बर्तन धो देंगे। बढ़िया धूप है, मस्त। तेजिंदर पाल सिंह कपड़े धो रहे हैं, रिपन सिंह भी कपड़े धो रहे हैं। बड़ी नवी नवी है। चलो यार पानी पाना, पैर पाने पानी। बहुत ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा पानी। वॉश कर रहे हैं, वॉश अपने आप। मसाला नो मसाला, ऊपर तेरा मसाला। अभी तो इसमें चक्की जाना चाहिए था बाकी किसी ना ना। अच्छे ना हो। रेडी। अप। छलांगे मार के मजा आ गया। आज का सारा व्लॉग तो इसी चीजों में निकल जाना हमारा, कोई नहा रहा है, कोई मुंह धो रहा है। ओह माय गॉड, रियली राइट साइड तो बर्न हो रहा है यार। वाह यार वाह, वेरी गुड। जल्दी मंगा दे मार खाना ना। फेस वॉश जल्दी, बहुत ठंडा, जल्दी आओ यार। ओह माय गॉड, तेजी नीचे भर ला पानी। कुछ कॉफी लिटिल हार्ट बिस्किट्स के साथ। तुसी मैंने यूनिवर्स दो दिन दे एक दिन दो दे सी बदला बदला कि मेरा एग्जिट उम्मीद है। मेरा हेक्टर क्या है, ये इंडिकेटर साइकिल पीच कर रहे ना, कि नहीं ऐसी गल कौन हूं किड़ा पहली बार मैं ऐसे इंसान ने जिंदगी छ। अच्छा कल का यार ड्यूटी है, मैं वही कह रहे हैं यार कि अगर इफ देयर वन समवन इज स्पेशल इन द किचन वो हेल्प तो कर सकता है, इधर बैठा है इतना। हाँ आपकी ड्यूटी है यार, इसमें पानी कितना डाल दो इतना डाल दो, चीज तो वो दिया खाने बंद है कि वो ड्यूटी है, वो ड्यूटी है किचन दिया पर जा रहे हैं। खान लायक ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, सो वन कैन हेल्प ऑलवेज। अभी मुझे हेल्प आर यू हेल्पिंग? हाँ मैं ऑलवेज हेल्पिंग हैंड। पर ये जैकेट दूर रखनी पड़ेगी यार, आग जलाएंगे नहीं तो जल सकती है।
ਬਬਲਾ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਜੈਕਟ ਸਾੜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਪਿਆ ਰਾ ਚਿੰਗਾ ਦੀ ਬਬਲਾ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਟ ਸੈ तो आ गया वक्त डिनर का। तो आज डिनर में हैं, क्या बना रहे हैं मिस्टर तेजपाल सिंह आज क्यों? और फिलहाल मेरे पास पहुंचा है पनीर। पनीर नहीं है आज, दाल मखनी है सर। ट्रांसफर हो गया? हाँ जी, देखो जी दाल फ्राई, दाल फ्राई है एमटीआर की, ये देखो हरपत सिंह। ओ माय गॉड, व्हाट अ लुक यार। बाकी इधर घूम रहे हैं, मतलब सब सामान सेट कर रहे हैं अब, और आज बॉनफायर की भी तैयारी हो रही है। हेलो अरुण भाई, कैसा लग रहा है आपको? अरुण भाई ग्रेट, बॉनफायर एक्सपर्ट करती, आग शुरू कर दी जलानी, और दो मिनट में भांबड़ मचा भी दिए। बहुत सारे काम की होएगा कि मैं थोड़ा पानी पा के चलते रहना, चलते रहना, इस जिंदगी नहीं है रुकना थमना, कुछ सोचना फिर आगे बढ़ना ही जिंदगी। एमटीआर जो एक्चुअली कल अपने को पनीर सीगा ना, पनीर टेक्निकली घट सीगा, लिफाफे दे भाई जी देखो वो पतीला कितना भर गया। कुछ नहीं होता यार, नथिंग टू वरी यार। हेलो, आग लगी थी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सएल साइज में आग। ओए यार, दाल चावल बन चुके हैं, दाल फ्राई वाला टेस्ट है का? चावल थोड़े थोड़े और पे दाल थोड़ी गुड करना था। सूरज अपने दोपहरे हो ना, आप दोपहरे चावल बना लगे क्यों? नहीं दोपहर जो है ना खाना घट जाता, चावल तो ज्यादा ही अपने बने क्या भाई? दाल चावल दोपहर खा लो, चुकी है दाल तो एक ही है। दोपहर रात का खा लेंगे, मैगी रात में खा लाँगा। दाल पेगी थी थोड़ी, हाँ जी दाल वो तो मिक्स कर लेना, बंद कर दो गैस, टेस्ट हो गर्म कर रहे जाओ तो रहने। बॉनफायर स्पेशलिस्ट ललित कपूर, बॉनफायर स्पेशलिस्ट। तो कहीं भी आग लगानी हो तो ललित से बेटर कोई आग नहीं लगाता, कहीं भी लकड़ियों मतलब? को लकड़ियों को ही स्पेसिफिक। तो आज काफ़ी कुछ हुआ, गिले शिकवे थोड़े हो गए थे आज, होपफुली एट द एंड ऑफ द डे हो गया सब कुछ सेट। पूरे मिस्टर कपूर आज का जो ट्रैक था मतलब नॉर्मली था, वो कुछ खास इतना था नहीं, मतलब सिंपल ट्रेल्स, हल्की सी ऊपर फिर नीचे फिर हल्की ऊपर नीचे, मतलब इतना कुछ खास नहीं था, टाइट नहीं था इतना भी। और सबसे बड़ी बात कि डिस्टेंस बहुत ही कम था, हम कितने बजे पहुँच गए यहाँ पर? तो हम कुछ सवा आठ बजे चले थे, साढ़े बारह एक
इस टाइम पे पहुंच गए थे और हमने जो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली कवर करा वो 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गुरमीत पट्टी 8.5 था और जो मैंने पढ़ा था वो 10 था लेकिन वैसे डिस्टेंस था इसका 7 किलोमीटर। तो कैंपिंग हमारी आपने देख ही ली है और अब जाएंगे कल, अभी तो रैन बसेरा में है तो यहाँ पे कैंपिंग के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी है। और कल हम जाएंगे रुनसिंध ताल, जिसके जाने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, वही 3-4 घंटे मैक्सिमम। तो और क्या क्या चीज़ें हुई आज, कुछ नया हुआ? हाँ, यहाँ पे पानी थोड़ा दूर है, जहाँ से मैंने बताया था लास्ट टाइम पानी कहाँ है तो वहाँ पे था, नीचे भी था पानी लेकिन अब ये नदी का बहाव बढ़ गया, तो नदी का बहाव बढ़ने से वो सारा पानी गंदा हो गया, सुबह तक हो जाएगा सेट। तो ठीक है जी, आज हमारा डे जो भी है वो एंड होता है यहाँ पे और काफ़ी एंटरटेनिंग चल रहा है। लोग मतलब ऐसा भी हो रहा था कि आगे चले जाएं लेकिन मिस्टर कपूर ने बोला नहीं तो नहीं, हम तो ठीक है उस पर। और हरिपन सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? इट्स अ नाइस रन, थैंक्स, एवरीथिंग इज़ गुड, शेल्टर मिला हुआ है, सबसे बिग थिंग इज दिस कि किचन इज हेयर, शेल्टर इज हेयर, जहाँ बैठ सकते हो, उठ सकते हो, खाना बना सकते हैं, टेंट इज देयर। और वो सर का बैग वहाँ जूम इन किया, वो पत्थर पे पड़ा रहेगा पूरी रात, इट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ द कैंप। ये तो इनकी वो है बड़प्पन है जो ऐसे हमारी तारीफ कर देते हैं। और पिछले बार वहाँ से बोतल वो आ रहे हैं पानी की बोतल लेके, तो सब लोग बस एंड कर रहे हैं। तो इसके साथ हम भी आज एंड करते हैं इस टुडेज रैन बसेरा का, तो दैट्स इट फॉर द डे। और ये हमारी बोन फायर है, लास्ट 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 लास्ट।